हेलो माय लवलीज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ लॉरियल पेरिस के दो शैम्पू का कंपैरिजन। सो यस, दिस इज द लॉरियल हाइलुरोन मॉइस्चर शैम्पू एंड दिस इज द लॉरियल ड्रीम लैंड शैम्पू। सो दोनों का ही इंडिविजुअल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। काफी सारे कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है दीदी, ये हमको आप शॉर्ट में बता दो। तो मुझे लगा कि इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा किन हेयर टाइप के लिए अच्छा रहेगा। सो यस, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने खुद से ही बाय किए थे। इनका जो इंडिविजुअल वीडियो था वो भी नॉन स्पॉन्सर्ड ही थे। सो यस, ये भी वीडियो नॉन स्पॉन्सर्ड ही है। जेन्युइन रिव्यू मैं अपना आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी गाइज। एंड यस, वन मोर थिंग, दोनों ही जो शैम्पू है वो सल्फेट वाले शैम्पू है। सो अगर आपने कैरेटिन, स्मूदनिंग या अपने बालों में कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट करवाया है तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप इन दोनों में से कोई भी शैम्पू यूज़ करो। यस, आपके बाल वर्जिन है, अभी आपने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराया है, देन आप इनमें से जो भी आपको अपने बालों के लिए ठीक लगे वो यूज़ कर सकते हो। सो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में। सो पैकेजिंग आप दोनों की देख सकते हो, ऑलमोस्ट ही सेम है एंड क्वान्टिटी भी आई थिंक दोनों की ही सेम है। यस, क्वांटिटी भी ऑलमोस्ट सेम है। इसकी क्वांटिटी है 192.5 ml और इसकी है 180 ml। सो 10 ml का फर्क है, बाकी क्वांटिटी सेम है। प्राइस है इसकी 149 रुपीज़ एंड इसकी प्राइस है 199 रुपीज़। तो अंडर 200 के ये दोनों शैम्पू आपको मिल जाएंगे एंड क्वांटिटी वाइज भी काफ़ी अच्छे हैं। सो यस, बात कर लेते हैं पहले इस पर्पल वाले शैम्पू की। सो इसको लॉन्च हुए आई थिंक 1 साल हुआ है और ये थोड़ा सा पुराना है, इसको आई थिंक 2 साल हो गए हैं। तो वीडियो पर भी आप जाके देखोगे ना, तो ये मैंने अभी 1 साल पहले इसका रिव्यू डाला था और इसका रिव्यू 2 साल पहले डाला था मैंने। So yes, this is Hyaluronic Moisture 72 hours moisturize फिलिंग शैम्पू। सो बेसिकली इसका जो हीरो इंग्रेडिएंट है दैट्स हाइलोनोरिक एसिड। वी ऑल नो हाइलोनोरिक एसिड एक तरह का ह्यूमेक्टेंट की तरह काम करता है, जो आपकी मतलब बेसिकली अगर आप सेरम वगैरह भी अपने फेस पे लगाते हो, हाइलोनोरिक एसिड सेरम, वो आपकी स्किन पे मॉइस्चर को लॉक करके रखता है, मतलब आपकी स्किन को प्लम रखता है, हाइड्रेट रखता है। सो बेसिकली ब्रांड का भी यही क्लेम है कि ये हाइलोरॉन एसिड सीरम है। दैट मीन्स कि ये जो भी आपकी बालों का जो मॉइस्चर है उसको लॉक करके रखेगा। सो बेसिकली उन बालों के लिए अच्छा है जिनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, फ्रीजी रहते हैं, अनमैनेजेबल रहते हैं, बट उनका जो स्कैल्प है वो काफ़ी ज़्यादा ऑयली रहता है। मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि जब आपने हेयर वॉश किया है उस दिन अच्छे लग रहे हैं, बट दूसरे दिन आपके बाल यहाँ से चिपकू चिपकू लगते हैं और नीचे से काफ़ी ज़्यादा ड्राई एंड फ्रीजी हो जाते हैं। सो ये जो पार्ट है ये काफ़ी ड्राई रहता है और ये पार्ट, ये जो क्राउन एरिया है, ये आपका बहुत ज़्यादा ऑयली रहता है। उनके लिए शैम्पू काफ़ी अच्छा है, जस्ट बिकॉज कि इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था सल्फेट है, तो सल्फेट आपके बालों को बहुत अच्छे से क्लियर करता है। इसमें जो सल्फेट है दैट वन इज सोडियम लॉरेट सल्फेट। सोडियम लॉरेट सल्फेट बिल्कुल भी हार्म नहीं होता है एज कंपेयर टू, मतलब सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है वो थोड़ा सा हार्मफुल होता है। लॉरेट सल्फेट जो होता है वो उतना हार्मफुल नहीं होता है, बट मेक श्योर कि आप उसको 8 से 10 दिन के गैप में यूज़ करो। यस, अगर आप वीक में 3 बार हेयर वॉश कर रहे हो तो आप 1 बार सल्फेट वाला शैम्पू यूज़ कर सकते हो और 2 बार आप नॉन सल्फेट वाले शैम्पू यूज़ कर सकते हो। सो यस, ये उन बालों के लिए अच्छा है जिनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, फ्रीजी या अनमैनेजेबल लगे। एंड बेसिकली मुझे इसका जो रिजल्ट है वो ये लगा कि बालों को मैनेज अच्छे से बनाता है, मतलब सॉफ्टनेस ला के देता है बालों में। सो अगर आपने ये शैम्पू यूज़ किया है तो 1 से 2 दिन आपके बाल काफ़ी अच्छे लगेंगे, बट तीसरे दिन वापस से थोड़ा सा ड्राई एंड फ्रीजीनेस स्टार्ट हो जाती है। सो मुझे एज सच इसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं लगा जितना कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है हाइलोनोरिक एसिड, वो ही सोच के मैंने ये शैम्पू बाय किया था। बट ओके है, मतलब बॉयज़ के लिए मैं बोलूँगी कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बॉयज़ हर ऑल्टरनेट डे में अपना हेयर वॉश करते हैं या डेली करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। बट गर्ल्स के लिए जो कि 2 से 3 दिन में हेयर वॉश करती है, तो 1-2 दिन अच्छा लगेगा, 1.5 दिन अच्छा लगेगा, उसके बाद फिर से आपके बाल ऐसे झाड़ू दिखने लग जाएंगे। वो चीज़ मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी। सो दिस इज़ ओके टाइप प्रोडक्ट्स, मतलब इतना अच्छा नहीं लगा मुझे पर्सनली। एंड बात करें इस शैम्पू की, सो दिस इज लॉरियल ड्रीम लैंड रीस्टोरिंग शैम्पू एंड इसके जो हीरो इंग्रेडिएंट्स है दीज आर कैरेटिन एंड कैस्टर ऑयल। पर्सनली मुझे ये दोनों इंग्रेडिएंट्स अपने बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जस्ट बिकॉज कि कैरेटिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो ड्राई बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। एंड कैस्टर ऑयल बेसिकली आपके बालों को, डैमेज जो होता है आपके बालों में, उसको रिपेयर करने का काम करता है, ड्राइनेस को कम करता है, फ्रीजीनेस को कम करता है। सो दोनों इंग्रेडिएंट्स के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एंड बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, फ्रीजी, अनमैनेजेबल है तो आपको फॉर श्योर ये वाला शैम्पू एक बार ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। इसका कंडीशनर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मैंने यूज़ किया था, बट शैम्पू तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है। एंड यस, सबसे अच्छी बात कि अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक बाल काफ़ी अच्छे हैं बट यहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, ड्राइनेस हो जाती है बालों में, मतलब बार बार में आपको हेयर कट लेना पड़ता है, ट्रिमिंग करवानी पड़ती है, उसके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये आपके बालों के लेंथ तक जाके, मतलब नीचे तक जाके अच्छे से रिपेयरिंग करता है। तो आपको बार बार में ट्रिमिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो आपको नहीं पड़ेगी, ये आपकी लेंथ के लिए काफ़ी अच्छा है। यस, अगर आपका स्कैल्प जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑयली रहता है तो ये थोड़ा सा स्कैल्प को ऑयली बना सकता है। यस, अगर आपका स्कैल्प ड्राई है, बाल भी आपके ड्राई है, देन यू कैन गो फॉर दिस शैम्पू, काफ़ी अच्छा मुझे लगा। यस, आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है बट स्कैल्प ऑयली है तो आप ये वाला यूज़ कीजिए। अगर आपकी स्कैल्प भी ड्राई है और आपका हेयर लेंथ भी ड्राई है तो फिर आप ये वाला फॉर श्योर ट्राई कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि विंटर्स के लिए परफेक्ट है क्योंकि विंटर्स में हमारी जो स्कैल्प है वो भी ड्राई हो जाती है तो उसको भी मॉइस्चर चाहिए, कैरेटिन चाहिए, कैस्टर ऑयल चाहिए, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। सो यस, दैट्स ऑल अबाउट इन टूडेज वीडियो गाइज। शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने आपको समझाया, बाकी डिटेल में अगर आप इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट एंड ऑल देखना चाहते हो तो आप इनके डिटेल वीडियो जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। बाकी प्राइस वाइज दोनों शैम्पू ओके है, ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा बट ये मुझे काफी अच्छा लगा, ये आप ट्राई कर सकते हो। सो यस, दोनों के लिंक्स भी मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, इन केस अगर आप बाय करना चाहते हो तो अमेजॉन पे अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगे। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं अगेन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।